आगे घात के मुझे थप्पड़ मार दिए, इतनी हिम्मत उसकी। अगर कैद में होती तो कड़ाके का जवाब देती उसको मैं, गला ही दबा देती उसका। पर कह तो सही रही थी, हाँ है मेरी मजबूरी, नहीं कह सकती उसे कुछ, क्योंकि अगर उसने मेरे खिलाफ मुंह खोल दिया तो बस सारा काम मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार आर्यन से शादी हो जाए उसके बाद इस थपकी को इस घर से बाहर निकालूंगी, तब देखती हूँ कि कैसे रोकती है मुझे। अरे थपकी, क्या बात है, किस पे गुस्सा हो रही हो? गुस्सा मैं क्यों गुस्सा करूं? अरे नहीं देखो, तुम्हारा चेहरा कैसे लाल हो रहा है गुस्से से। क्या गवार है, गुस्से से ज्यादा थप्पड़ से लाल है ये तो गुस्से से नहीं किसी और चीज से लाल लग रहा है। ये किसी ने थप्पड़ मारा है क्या तुमका? थप्पड़? अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा कोई? अरे हाँ देखो, यहाँ उंगलियों के निशान भी दिख रहे हैं, बिल्कुल लाल हो गया। ये मेरी उंगलियों का निशान है बारिश करके, वो मैं धूप में खड़ी थी ना तो रात हो गई मुझे। अच्छा ठीक है, हम कपड़े डाल देते हैं ना, ध्यान रखा करो। हाँ ये तो यही अटक गई, इसे भगाना पड़ेगा लवली, नहीं तो फिर से मेरे गाल पे आके अटक जाएगी। धीरे होते हुए आप थोड़ी काम करेंगी, मैं सुखा देती हूँ कपड़े। थपकी ये सब छोड़ो। क्या हुआ भाभी? थपकी तुम कितनी अच्छी हो ना, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया पर तुमने हमेशा हमेशा हमसे प्यार किया, हमारा सम्मान किया और तो और हमका इतनी आसानी से माफ भी कर दिया ना। सच बता रहे हैं तुम ना बहुत महान हो, तुमने जैसा ना दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, कोई नहीं हो सकता। थप्पड़ की जलन कम नहीं हो रही और ये और जला रही है मुझे यहाँ खड़े खड़े, अब निकल भी यहाँ से। क्या भाभी ये सब कितनी पुरानी बातें हैं, भूल जाइए इसे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप ऐसे गिल्टी फील मत कीजिए। सच कहें थपकी, हमने ना पिछले जन्म में कोई ना कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, इसलिए तो तुम हमका हमारी देवरानी के रूप में मिली हो। अच्छा चलिए अब हो गए ना थपकी के गुणगान, मैं एक कपड़े सुखा देती हूँ, जाइए आराम कीजिए। देखो हम थपकी के गुणगान तो हमेशा ही करेंगे, का है ना थपकी है ही इतनी प्यारी, हाँ और ये सब करने से हमका तुम बिल्कुल भी नहीं रो सकती है ना। अच्छा हम अंदर का काम देख लेते, तुम कपड़े सुखा दो। ये पांडे निवास का नाम ना पांडे हटाकर कार्टून निवास रखना चाहिए, इसको देखो सेंटी मारने में लगा रहता है इस घर में, इस शादी का ड्रामा खत्म हो फटाफट, लगाती हूँ सबको ठिकाने, और वो थपकी तब तक अपना मुंह बंद रखे, किसी को शक नहीं होना चाहिए उस पे, खास करके उस जग्गे जासूस आर्यन को। अरे मेरे फोन में से बानी की फोटोज कहाँ गई, अलग से फोल्डर बनाया था मैंने, ये एक भी फोटो नहीं। मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? ताकि तू उसकी यादों में ना अटका रहे। आप प्लीज साफ साफ बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझ गई हूँ, तू बानी से प्यार करता है ना? चुप क्यों है, बोल। हाँ मैं बानी से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तू पागल हो गया है, बानी मर चुकी है, तुझे उसे भूलना पड़ेगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तू पूरी जिंदगी उसकी यादों के सहारे नहीं जी सकता पुत्र। जब मेरी जिंदगी रुक गई है तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ माँ? मैं तो उसकी यादों के सहारे जी रहा था और आपने आपने वो सहारा भी छीन लिया माँ। ओए दिमाग खराब हो गया है, हाँ भूसा भरा है तेरे दिमाग में, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती पुत्र, होश में आ, होश में। होश में आया हूँ तभी तो बानी से प्यार किया है माँ, अब मैं इस प्यार को मारकर अपना होश नहीं खोना चाहता। तू तू
मानेगा। माँ, आराम से, क्या हुआ आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले बताइए, आपने कुछ खाया? कुछ खाया? कोई शुगर लेवल तो कम नहीं हो गया आपका? तुझे ऐसे देख के कहाँ मन होगा कुछ खाने को पुत्र? नहीं माँ, पहले आप कुछ खाइए, रुकिए, खाइए प्लीज। नहीं खाता मैं, माँ ये कैसा बचपन है? आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। मरण दे मैनू, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहाँ मेरा इकलौता बेटा एक मरी हुई लड़की के याद में तड़प तड़प के जी रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। नहीं, तू पहले वादा कर पानी को भूलेगा। आप जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तेरी माँ भी मरी? हाँ, माँ भी मर गई, फिर तो मैंने नहीं जिंदा रहना है अब। मामा प्लीज माँ, ऐसी बातें मत कीजिए ना। तू बस अभी फैसला कर, तुझे माँ को जिंदा रखना है कि मरी हुई बानी को? बोलना, भूलेगा कि नहीं उसे? हाँ 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 माँ, मैं कोशिश करूंगा पूरी, लेकिन अब थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज, थोड़ा। अब आप आइंदा ऐसा मत करना कभी, ध्यान रखा करो अपना। हम तेरे ऊपर है, तू बानी से दूर रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगी। पुत्र, ये सपना मैं तेरे भले के लिए कर रही हूं और साथ अपनी भी। हाँ चल, कमर को तो मैंने सेट कर लिया, अब मैं चीना को काबू में करती हूँ। अभी लवली हॉल में है और उसका फोन भी उसके पास नहीं। मैं उसके फोन को ढूंढती हूँ, क्या पता मुझे उससे कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाए पानी के बारे में। कहीं लवली वापस तो नहीं आ रही है? क्या आपने ये रचा? कहाँ हो सकती है? कैसे पता करूंगी लवली से यहाँ क्यों लाई है? ये एक रास्ता है थपकी और पानी तक पहुंचने का। लवली से प्यार का नाटक करके मैं यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ। मुझे कैसे भी पता करना होगा कि इस घूंघट के पीछे कौन, तभी मैं थपकी और पानी तक पहुंच पाऊंगा। सब क्या हो सकता है इस कमरे में जो मुझे थपकी और पानी तक पहुंचाए? एक बार सबूत मिल जाए इस लवली को तो थक के देखे इस घर से बाहर निकलूंगा। बेहाल, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे? रज्जो, क्यों आई थी तुम यहाँ पे वैसे? सफाई करना है थी, क्या यही कहना चाह रही है ना? और तुम क्या कहना चाह रहे हो?
कोई खास बात थी क्या? वही हमेशा की तरह सरप्राइज, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट रखने आया था। ये रहा वो सरप्राइज, इसे देख रहे सबके, इसमें लगे इन रंग बिरंगे मोतियों को, ये मोती नहीं, ये मेरे दिल की जुबान है। और पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द मैं ऐसी खुशियां, ऐसे ही रंग तुम्हारी जिंदगी में भर दूंगा। सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां, सब कुछ दूर करके सिर्फ खुशियां, हम दोनों के साथ होने की खुशियां, तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरे को मैं रोशनी में बदल दूंगा। तबकि तबकि अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, अब मैं हमेशा हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा जिंदगी भर, क्योंकि तबकि अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त मुझे सिर्फ सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है। मेरा प्यार, मेरे जीने का मकसद, सब कुछ अब तुम ही हो। तबकि मैं उठता हूं तो तुम्हारा चेहरा दिखता है, सोता हूं तो तुम्हारे सपने आते हैं, हर जगह बस तुम ही तुम दिखती है। तबकि अगर प्यार ईश्वर है तो तुम मेरी प्रार्थना, तुम इबादत हो मेरी। तबकि I love you, Tabki. I love you too. ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? यही कि तूने मान लिया किस्मत के फैसले को, तू मान रही है कि मुन्ना ही तेरा पति है। पर ये सब तू दिल से कर रही है ना? जी आंटी, कोशिश तो कर रही हूं मैं, दादी जी के लिए, फैमिली के लिए, अपने शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। चल, जो रब दी मर्जी। वैसे आप कुछ कहने आई थी? हाँ, पर रहने दे, अब कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट बता तो दीजिए। अब तो इतना कह रही है तो अब बता ही देती हूँ। बता, ये देख, ये किसका फोन है? समर का। पर किसका? कल तक इसमें इतनी सारी बानी के फोटोज थे, पर आज एक भी नहीं है। पर अब कहना क्या चाहती है? देख पुत्र, समर ना थोड़ा अलग टाइप का लड़का है, वो दिल की बात ना किसी से नहीं कहता, वो बचपन से ही ऐसा है, पर आज भी ना बिल्कुल नहीं बदला, खुद को तकलीफ दे देगा लेकिन दूसरों को नहीं दे सकता। इसमें बानी की फोटो ही थी, उसने इसमें से बानी के सारे फोटो डिलीट कर दिए, पर किसी से नहीं कहा, बुला दिया उसने बानी को। अब देख इसमें किसकी फोटो है, देख। ये तो मेरी फोटोज है। हाँ पुत्र, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये तेरी फोटो है, सोच क्यों? हाँ, और ये सब मैंने डाली इसमें, समर देखिए उससे पहले डिलीट भी कर दूंगी। अब तू खुद ही सोच पुत्र, हाँ उसने बानी की फोटो हटा के तेरी क्यों रखी इसमें? हाँ सोच। लेकिन वो तो यही चाहता है,
मैं उसे भूलकर मुन्ना के साथ एक नई लाइफ शुरू करूं। उसने मुझे खुद बोला था। अब उतर सामने से तो यही कहेगा ना वो। हाँ मैंने बोला तो वो कितना अलग लड़का है। वो कभी नहीं अपने मुंह से कहेगा पुत्र कि तेरे लिए उसके दिल में क्या है। खुद को मिटा देगा पर तेरे परिवार वालों को दुख कभी नहीं देगा पुत्र। वो मानक भी नहीं लगने देगा। उसे कितना प्यार है तुझसे पुत्र। हाँ पर एक बात बोलूं, वो अपनी माँ से ना कुछ नहीं छुपा सकता। मैं सब जानती हूँ। हाँ वो ना आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है पुत्र, बहुत प्यार करता है। I'm sorry आंटी, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने मेरा डिसीजन ले लिया। ये तो समर की शॉट है। यहाँ कैसे? यही तो प्यार है पुत्र। देख ये तो दे दे। आज भी तू समर की हर एक छोटी चीज से जुड़ी हुई है। पर तू भी मुन्ना के साथ रिश्ता जोड़े रखना चाहती है। असली और सच्चा रिश्ता तो ये जुड़ा है क्योंकि आज तक नहीं टूटा है पुत्र। और फिर भी तू अपने दिल को झुठला के आगे बढ़ना चाहती है तो पुत्र तेरी मर्जी। बढ़ के दिखा तू आगे मुन्ना के साथ। इस समर की माँ बांध के रहेगी तुझे समर के साथ। लवली से प्यार का नाटक करके मैं यहां तक तो पहुंच गया हूं। अब हार नहीं मान सकता। मुझे कैसे भी पता करना होगा कि इस घूंघट के पीछे कौन है। इसका मतलब आर्यन को सब पता है। आर्यन को पता है कि वो लवली है। उसको ये भी पता है कि लवली ने मुझे और बानी को किडनैप किया था और बानी अब भी लवली के कैद में है। मतलब आर्यन सब जानता है। क्या करूं मैं? क्या आर्यन को बता दूं कि मैं ही थपकी हूँ? थपकी अगर प्यार ईश्वर है तो मेरी प्रार्थना, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। खाना बनाया सबके लिए, सबकी पसंद का, जैसे थपकी करती थी और स्वाद भी वैसा ही जैसा जैसा थपकी के हाथों का होता था। तुम्हारी हिचकी भी वैसे ही बंद हुई जैसे जैसे थपकी की होती थी। अब भी तुम कहोगे कि तुम रचो थपकी नहीं, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे जोड़ता हूं, तुम्हारे उस टच को कैसे जुट लाऊं जो मुझसे कुछ और ही कह रहा है। थपकी जुबान बंद हो सकती है, चेहरा छुप सकता है, लेकिन टच नहीं। टच को ना जुबान की जरूरत होती है और ना ही किसी चेहरे की। टच सब कुछ कह देता है। जब मैंने तुम्हें छुआ उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम रचो नहीं थपकी हो।